नहीं, मैं अग्री हूँ। मेरा सोचना ये है कि सुप्रीम कोर्ट है तो वो कहती है कि साहब हम बेबस हैं, फलाना कहता है कि हम बेबस हैं, ये कहता है वो बेबस है। कम से कम थिंकिंग प्रोसेस में हम उनके जवाब और उनके सॉल्यूशन को ना खोजें। लेट्स डू दैट एज ए थिंकिंग प्रोसेस फर्स्ट, राइट? एंड थिंकिंग प्रोसेस के को क्रिस्टलाइज करके हम उसमें उसके सॉल्यूशन डिजाइन करें थ्रू टेक्नोलॉजी। और वैल्यू सिस्टम जो है ना हैज बीन डिटोरिएटेड ओवर द पीरियड, तो हम उस वैल्यू सिस्टम को कैसे जो है ना ठीक करें, क्योंकि हर कोई तो अपने आप को बेबस घोषित कर रहा है जबकि वो बेबस नहीं। जबकि उस जैसे मान लो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी कहा कि साहब जो है ना हम तो बेबस हैं क्योंकि हम कानून नहीं बना सकते हैं। क्या हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम है कि उनके द्वारा कही गई हर बात जो है ना वो ज्यूरिसप्रूडेंस के तहत कानून का स्टेटस रखती है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मालूम है कि आर्टिकल 142 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है टू इम्पार्ट जस्टिस फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड रिमोटली और डायरेक्टली? और ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 142 का कुछ जजेस ने यूज नहीं किया है। यदि कुछ जजेस उसको प्रोएक्टिवली यूज कर सकते हैं तो वाई नॉट अदर जजेस? अब यदि माननीयों को जिनको कानून बनाना है वो खुद क्रिमिनल हैं तो अपने खिलाफ जो है ना कानून क्यों बनाएंगे वो? नहीं, और सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ध्वनि आती है तो हाई कोर्ट पर असर पड़ता है, हाई कोर्ट से और नीचे तक जज को लगता है मैं कुछ नहीं हूं, है ना? नहीं, मुझे उसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जजेस भी ऑन मेरिट नहीं आ रहे हैं। हाँ, नीदर थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस नॉर थ्रू द नॉमिनेशन प्रोसेस। हमारे आपके देखते देखते ही ना जज लोग पहले सोसाइटी से तो दूर रहते थे ताकि उन पर कोई दबाव ना आए, अब वो सोसाइटी में कार्यक्रम में एज ए लीडर एज ए गेस्ट जाना चाहते हैं कि लोग उन्हें बुलाएं। मेरा ये कहना है कि उनका चरित्र इतना दुर्बल क्यों होना चाहिए जो जिसके कॉन्टेक्ट में आते ही आपका चरित्र ज्यादा विलुप्त हो जाए? हमारा चरित्र इतना स्ट्रांग क्यों नहीं होना चाहिए कि हम लोगों में जाएं, उनकी बातें समझें, उनकी बातें सुने और उनको जो है ना हाउ ऑब्जेक्टिवली वी कैन हेल्प आउट? क्योंकि जहां सिस्टम में बेशर्मी लदी हुई है, जहां पे कि देश हित कहीं पे दिखता ही नहीं है, पार्टी हित ये वो, एंड मैं तो बहुत जोर से ये मानता हूं कि डेमोक्रेसी तो कहीं है ही नहीं, नीदर इन इलेक्शन प्रोसेस नॉर इन द आफ्टर इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर हैविंग नो स्कोप टू से एनीथिंग इंडिपेंडेंटली, फॉरगेट अबाउट जो है ना रिप्रेजेंटिंग पब्लिक, दे आर नॉट इन पोजिशन टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, राइट? मतलब भूल जाइए कि आपका प्रतिनिधि आपको रिप्रेजेंट करे, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, वो अपनी थॉट प्रोसेस को नहीं कह पा रहा, फॉरगेट अबाउट द अदर्स। वो पार्लियामेंट के अंदर वो पॉलिटिकल व्हिप से बना हुआ है और पार्लियामेंट के बाहर वो पॉलिटिकल डिसिप्लिन से बना हुआ है। एक आध राजनेता कोई अपनी बात कहने की कोशिश करता है तो उसको डिसिप्लिन के कोड़े से ठीक कर दिया जाता है। तो पहले तो उसकी अपनी सोच ही खराब है क्योंकि वो जो है ना खुद क्रिमिनल है, खुद उसकी मानसिकता विक्षिप्त है। हाँ, उसका डर के कारण है या फिर उनका कोई कारोबार खुद का है। अच्छा, अब आपकी मीडिया देख लीजिए, मीडिया में वही लोग हैं, मीडिया के जो ओनर्स हैं दे आर इधर कनेक्टेड थ्रू द पॉलिटिकल आर्ट हो, और पॉलिटिकल भी जो कनेक्शन है दैट इज ऑल्सो टू अपना एम्पायर को संभालने के लिए है, या दे वॉन्ट टू जो है ना एनी हाउ जो है फ्लरिश देयर बिजनेस, और मीडिया के ओनर वो इसलिए बने हुए हैं कि जिससे उनके बैकएंड बिजनेस चलते रहे। आपका जो लिखने वाले हैं आपके हाथ बंधे हुए हैं, यदि आप सत्र लिखेंगे तो आप दूसरे दिन बाहर हो जाएंगे। तो जब हमने सभी एलिमेंट्स को जो कि कमजोर कर दिया है, अच्छी व्यवस्था लाने के लिए जिनके ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, जिनके पूरा देश टिका हुआ है, हमने उन्हें ही धीरे धीरे इलाके कमजोर कर दिया है, तो क्या है? आप ये बताइए, अभी जो नए नियम के तहत उन्होंने आपने कहा है कि साहब आप रिटायरमेंट के बावजूद भी यदि कुछ ऐसा बोलेंगे जो कि लोगों को पसंद नहीं आएगा तो आपकी पेंशन रोक देंगे। नहीं, और आप किताब नहीं लिख सकते, आप कोई चीज लिख नहीं सकते। हम ये कह रहे हैं आप जो है क्रिमिनल रहेंगे चुनाव के पहले और आपको जो है चुनाव के बाद
और सामने वाले को अपनी बात कहने का हक नहीं होना चाहिए जब वो आपका वो नहीं है। उसको पेंशन आप इसलिए थोड़ी दे रहे हैं कि वो अभी क्या बोल रहा है, आप उसको पेंशन दे रहे हैं कि उसने आपकी सेवा की हुई है, देश की सेवा की हुई है। इट इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट ही इज डूइंग टुडे। हाउ कैन यू डू इट? इसके ऊपर तो जो है ना, इट कैन बी चैलेंज इन नो टाइम। इलीगल ऑर्डर नहीं, अंदर रह के वो जो काम नहीं कर पा रहा था, एक आपका डिसिप्लिन कहो या आपका जो एक सिस्टम की आपने बाध्यता करी भाई, उस रिटायरमेंट के बाद तो आदमी अपने को फ्री समझता था मेंटली और हर तरह से। नहीं, अभी मैं आ जाऊं, इसमें एक और प्रॉब्लम है। आप ओवर द पीरियड उसको ऐसा जो है ना कंट्रोल करके रखे हैं कि वो उसका चरित्र का हिस्सा बन गया, राइट। कुछ लोग जो जिन्होंने अपने अंदर की आग को बचा के रखा, वो लोग कुछ करने की कोशिश करते थे। 99% अभी भी नहीं करते हैं, 1% करने की कोशिश करते हैं। उनका गला कैसे घोटा जाए, आप ये भी व्यवस्था करना चाहते हैं। और जो हमारे जो अपने साथ हैं उनका कुछ भी दुरुपयोग करना चाहते हो, उपयोग करना चाहते हो, है ना? इसका मतलब ये है कि ये नेता ना तो ऐसा कानून बनाएंगे। अभी बताइए ना, अभी पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है ना चिंता जाहिर की कि साहब क्रिमिनल्स जो ना उसमें आ रहे हैं और इसमें नियम का वो बनाना चाहिए। ऐसा नियम वो कैसे क्यों बनाएंगे? आर्टिकल 142 के तहत जो है फॉर इम्पार्टिंग जस्टिस, और जब हमारे कानून बनाने वाले क्रिमिनल्स होंगे तो जस्टिस कैसे हो सकता है? ऐसा कानून ही नहीं बनेगा जो जस्टिस के लिए हो। वो तो उनके अपनी क्रिमिनलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको इन कारण जो है अपनी नेतागिरी करने के लिए वो ऐसे कानून बनाएंगे। और अभी हम डेमोक्रेसी से पॉलिटिकल क्रोसी में पहुंचे हैं, दैट गवर्नमेंट बाय द पॉलिटिशियन, ऑफ द पॉलिटिशियन एंड फॉर द पॉलिटिशियन। अब 42 से यदि आप 50 के ऊपर पहुंच जाते हैं, और ऐसे पहुंचेंगे ही, क्योंकि विनेबिलिटी ऑफ द पीपल हु आर विद द क्रिमिनल रिकॉर्ड इज 3 times मोर। तो यदि वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो वो जीतेंगे, और इन्हें वही कैंडिडेट चाहिए जो जीत सके। तो फिर धीरे धीरे तो जो बचे खुचे लोग हैं वो उनकी जगह सब्जेक्ट सब क्रिमिनल्स ही आ जाएंगे, और जब सब क्रिमिनल्स आ जाएंगे, क्रिमिनल उनकी बेंट ऑफ माइंड होगी, तो देन हमारी पॉलिटिकोक्रेसी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द क्रिमिनलोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स, सब डिपार्टमेंट उनके होंगे, और जब क्रिमिनल्स भी होंगे तो उनकी हाल मोटी होगी, तो वो आपको कोड़े लगाएंगे, वो आपको ठीक कर देंगे, क्योंकि अच्छे लोग उनके लिए जो ना उनकी सोच के लिए बाधा होंगे, तो अच्छी सोच तो आना नहीं चाहिए। क्या सोचते हैं आप? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप एकदम, यही सब सवाल हैं, जरूरी हैं। मुझे लगता है कि हमको इस बारे में डिबेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें क्राइम फ्री भारत को कुछ सेशन इन सब विषयों पे करना चाहिए, और उसमें आप जैसे और बाकी सूची बना लीजिए, उनको अपन लेके आए। यदि हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक सोच का संचार तो कर सकते हैं। सोच का संचार तो बहुत बड़ा विषय है, उससे तो साधन से बड़ा है। नहीं, हमारा सोचना यह है कि हम देखिए, चूंकि हमारा वैल्यू सिस्टम सभी खराब हो गया है, तो आजकल जो हम किसी को भी भगवान कहें, अन्नदाता कहें, वो कोई भी भगवान नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं दूषित है, ठीक है ना? उसने भी ढेर सारे पाप किए हैं, और उन्हीं पाप के कारण हम इस कुगति पे पहुंचे, राइट। तो मेरा ये कहना है कि इनेबलिंग करें, गलत कोई भी ना कर पाए, ना हम, ना आप, ना और कोई, ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं हमें बनाना पड़ेगा। तो इस पर थोड़ा विचार करिए। जरूर जरूर। और इनमें से कौन कौन से लोग हो सकते हैं, उन पर एक एक विषय चुन के हम जो है ना क्राइम फ्री भारत चैनल पे चर्चा करना शुरू कर। ठीक है, आप सहमत है? हाँ हाँ। तो 3 दिन में आपको सूची बनाइए और अपन कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल ट्राई कि कम से कम कुछ नहीं तो सोच का संचार तो करें। जरूर। और जो सोच का संचार करोगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उसकी टेक्नोलॉजी हम डिजाइन करेंगे, एंड वी विल इंश्योर कि पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें हो और पब्लिक को उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिले, क्योंकि वो देश हित के लिए तो काम करेगी नहीं, लेकिन पैसे के लिए तो करेगी का, राइट। और वो जो है ना, जो भी चीज वो कैप्चर कर रही है उसको वो ब्लैकमेल करने की स्थिति में ना रहे, तो वो जो उसका कंटेंट है, इट शुड गो इन द क्लाउड स्पेस अंडर डिजिटल चित्रगुप्त, और दैट शुड बी डेफिनेटली यूज्ड जिसके खिलाफ साक्ष्य। तो वो इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन से ले जाके उसको सर्टेनिटी वाले डायमेंशन में भी हम ले जाएंगे, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि परिवर्तन ना आए।
हमें जो है इवन जुडिशरी को करना चाहिए कि कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही मेरिटोक्रेसी कैसे लाएं, इसके लिए कमेटी बना दें। अभी तो जो आपका जो जजेस का सिलेक्शन हो रहा है उसमें जो जज की फैमिली से रिलेटेड है, जुडिशियल फैमिली से रिलेटेड है, उनको जो है ना 80-90% इंटरव्यू मिलते हैं और उनके मालूम पड़ता है कि एग्जामिनेशन में बहुत कम मार्क्स है। जिसके एग्जामिनेशन में ज्यादा मार्क्स है उसको तो बेशर्मी से कई बार 0 नंबर दे दिए गए हैं। तो जुडिशरी को चाहिए कि अपने खुद के ही जो चयन प्रक्रिया है उसका उस पर रिसर्च कराएं, उस पर पेपर पब्लिश कराएं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो यदि ऑब्जेक्टिवली सिलेक्शन प्रोसेस में काम नहीं करते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट करें, उनको डिबार करें। और ये तो हो गया है जो कि रिक्रूटमेंट के थ्रू आ रहे हैं, जो जजे जो 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 एडवोकेट बन रहे हैं उनमें भी आपने कमेटी बनाई हुई है, तो उसमें शासन पक्ष के हो गए और विपक्ष के हो गए, हैं तो दोनों नेता ही ना। हम और ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते फॉर एवरी जज, वी कैन क्रिएट ए पैनल ऑफ 3 जो कि मेरिट के थ्रू आए, देन जिसमें आप एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको पूरा राइटअप लिखना पड़ेगा कि हमने दो को क्यों रिजेक्ट किया। सही, मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड को हम अपनी सिलेक्शन प्रोसेस में क्यों ना लाएं। यदि हम हर ऑर्गान में ये चीज लाने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि हाउ वी विल नॉट एक्सेल। मैं इस देश को गारंटी देता हूं कि जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का वो है, इस देश के बिना सरकारी खर्चे के मैं पर कैपिटा इनकम 3 गुना और GDP 5 गुना बढ़ा सकता हूं। इस देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी पर ले जाने की सोच और रणनीति मेरे पास रहती है। यदि ये संभव है तो क्यों नहीं होना चाहिए, इसे होना चाहिए। अदरवाइज कोई चुनौती दे के नहीं साहब, ये तो आप जो कह रहे हैं ये बात तो डुएबल ही नहीं। तो आप कहते हैं हाँ डुएबल तो है लेकिन नेताओं को जो है ना ग्राह्य नहीं होगी, तो नेताओं को हर अच्छी चीज ग्राह्य क्यों नहीं होती। तो अजय जी आप मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं क्या? 1000% सही है। तो चलिए मेरे ख्याल से जो अपन बात कर रहे हैं कि एक सूची बना ली जाए, फिर अपन टॉपिक करते हैं और ताल ठोक के क्राइम फ्री भारत चैनल से हम उस चर्चा को करें, क्योंकि बाकी चैनल्स तो जो है ना कहीं बधी हुई, क्राइम फ्री भारत किसी से नहीं बना हुआ। ठीक बात है ना? ठीक बात है। तो हम अपनी बात ताल ठेक पे करेंगे, हम अपनी बातों के लिए सही लोगों को छांटेंगे और उसके लिए जो है ना टेक्नोलॉजी भी क्रिएट करेंगे, मॉडल भी क्रिएट करेंगे, स्टार्टअप भी क्रिएट करेंगे और ताल की ठोक कर जो है ना उसको जमीन पर उतार के भी दिखाएंगे। जरूर जरूर, है ना? राइट अजय, चलिए तो फिर इस बात को अपन आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक, थैंक यू, जय नमस्कार।